हाय फ्रेंड, मैं राजेश कुमार, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का एक मेरा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मतलब कारगर सिद्ध होने वाली है, खास करके जो जीविका के एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो जीविका के एम्प्लाई हैं, चाहे जो जीविका में काम करते हैं, वे लोग खुद से इस चीज़ को जानते हैं। और मैं ऐसा सब्जेक्ट है जो जीविका में हमेशा निरंतर कार्यरत है, काम करते रहता है। ये वाला जो उसका फुल फॉर्म मैंने कलेक्ट करने का काम किया है, इसमें जीविका में ए से लेकर जेड तक जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू है, सारा ए टू जेड फुल फॉर्म को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध है। ये वीडियो आपको एग्जाम में नहीं तो इंटरव्यू में कहीं से कहीं कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसे टकराएंगे, और या इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है, इस पोस्ट का मतलब क्या है। इसलिए इसको जरूर देखें दोस्तों, इसको पूरा देखें। तो दोस्तों, चलिए फटाफट हम चलते हैं इस वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ पे इस पर इस टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें मैंने सजाया है प्रोजेक्ट के बारे में, कौन कौन सा है इसमें, उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिट यूनिट है इसमें, जीविका को कितनी यूनिट में बांटा गया, उसका फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद में इसमें क्या क्या फंडिंग है, क्या क्या फंड है, इसमें कौन कौन से फंड मिलते हैं, उसका फुल फॉर्म टोटल हमने यहाँ पे सजाया है। उसके बाद में लीव है, यानी छुट्टी है, स्टाफ को कितनी छुट्टियाँ मिलती है, कौन कौन सा छुट्टी होती है, उसका क्या प्रकार है, उसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ही है। उसके बाद में उसके बाद यहाँ पे पद है, यहाँ पे कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं, हायर लेवल का है, अपर लेवल, लोअर लेवल, ऑफिसर लेवल, सारा है यहाँ पे। स्टाफ लेवल, स्टेट लेवल का पोस्ट यहाँ पे दर्शाए हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है, सबका फुल फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल का पोस्ट है, सबका फुल फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे कम्युनिटी लेवल का पोस्ट है, जिसको हम कैडर बोलते हैं, सबका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। और यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दिया गया है, जो हमेशा काम में आती है इस थीम पे, इसलिए मैंने इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, एनआरएलएम आते हैं प्रोजेक्ट में। एनआरएलएम तो बिहार भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट है। एनआरएलएम इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम। एनआरएलएम जो है, इसकी स्थापना 2011 में की गई। एनआरएलपी नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, दूसरा है नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये एनआरएलएम का सबसेट है, मतलब उसका छोटा रूप है। एनआरएलपी ब्लॉक भी कहीं कहीं होते हैं जीविका में। उसके बाद में बीआरएलपी, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, बीआरएलपी, जो बिहार सरकार की परियोजना है। उसका बीआरएलपीएस, उसी का एस जोड़ दिया गया, मिशन लगा दिया गया, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। उसके बाद एसजीएसवाई है, इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को हम बता रहे हैं। एसजीएसवाई स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। दोस्तों, एसजीएसवाई भी एक जीविका की तरह ही प्रोजेक्ट था, बहुत विशाल प्रोजेक्ट था, जिसको $5.1 बिलियन से तैयार किया गया था, लेकिन किसी कारणवश रन नहीं कर पाया। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद में आते हैं यूनिट, इसमें कितने यूनिट में बांटा गया। तो दोस्तों, इसमें यूनिट है SMPU, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जो स्टेट लेवल का पोस्ट, स्टेट लेवल का ऑफिस होता है, जो किसी भी राज्य की राजधानी में इसका ऑफिस होता है, वहाँ से सब चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है, SMPU उसको बोलते हैं। DPCU जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस होता है, उसको DPCU बोलते हैं। इसको इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट। उसके बाद में BPIU, ब्लॉक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, इसमें ब्लॉक लेवल के जितने भी कार्य होते हैं, सारा इसमें संपादित किए जाते हैं। उसके बाद BLF होता है, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, मतलब ब्लॉक लेवल पे जितने भी फेडरेशन, जैसे छोटा छोटा समूह, स्व सहायता समूह, जिसको SHG बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करके हम उसको बड़ा रूप करते हैं, यानी 10-12 मिल के ग्राम संगठन बनाते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको उसको तैयार करके CLF बनाते हैं, फिर उसको बड़ा करके BLF बनाते हैं। वही होता है ब्लॉक लेवल फेडरेशन। CLF का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, यानी बहुत सारे VU मिल करके एक CLF बनते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन उसको बोलते हैं। इसका एक अपना पर्सनल ऑफिस होता है, इसमें करोड़ों रुपया की फंडिंग होती है BLF और CLF में। उसके बाद में VO है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसमें भी लाखों करोड़ों रुपया की ट्रांजेक्शन होती है, और इसमें 10 छोटे छोटे 10 समूहों को मिला करके एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बनाते हैं। उसका SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो बहुत छोटा रूप होता है, यानी 12 महिलाओं को मिलकर या 10 से लेकर 15 महिलाओं के बीच में मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, जिसको स्वयं सहायता समूह बोलते हैं।
तो ये हो गया SSG। उसके बाद WDC, एक नया नाम आप लोग सुनते होइएगा, या जो लोग पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कार्यरत हैं वे लोग इसको देखे होंगे और इसमें काम भी करते होंगे। WDC जो बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है, वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको महिला विकास निगम के नाम से जानते हैं जो, लेकिन इसमें भी बहुत सारे पहले काम हो रहा था लेकिन कुछ फंडिंग की वजह से इसका काम बाधित हो गया। लेकिन इस तरह से इस प्रोजेक्ट को जीविका में मर्ज कर दिया गया और जीविका इसके सारे फंडिंग कर रही है। तो WDC को याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे SSG को मिला के VO बनता है, VO को मिला के CLF, CLF के BLF, BLF BPIU, DPCU, SPMU। तो हो गया यूनिट सारा हम क्लियर कर दिए। उसके फंड में आते हैं, जीविका में कौन कौन से फंड होते हैं। तो दोस्तों FSF होता है, फूड सिक्योरिटी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सिक्योरिटी फंड। ये क्या होता है, ये जिस ग्राम संगठन में 50% से कम SC ST की संख्या रहती है उसमें FSF की राशि 1 लाख रुपया दी जाती है, जो जो कि साल में 12 महीना में 2-3 महीना ऐसा हो जाता है जिसमें लोग राशन घट जाती है और राशन मैंने खाने पर दुर्लभ हो जाते हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। उसके बाद में HRF है, हेल्थ रिस्क फंड, इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ रिस्क फंड। इसमें 50,000 की राशि दी जाती है ग्राम संगठन को। और इसका यूज क्या होता है, ग्राम संगठन में अगर किसी महिला को या किसी मेंबर को अगर किसी कोई भारी बीमारी से ग्रसित है या कोई ऑपरेशन कराना है तो तुरंत चेक काट के 50,000 रुपया या 10,000-20,000 का रातों रात या दिनों दिन उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ICF होता है, इनिशियल कम्युनिटी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल कम्युनिटी फंड। इसका मतलब होता है ये स्वयं सहायता समूहों को पहले दी जाती है लेकिन अब ग्राम संगठन में कुछ नियम चेंज हो गए हैं, ग्राम संगठन में दिया जाता है इनिशियल कम्युनिटी फंड। पहले स्वयं सहायता समूहों को 75,000 रुपया दी जाती थी जिसमें से 15,000 रुपया RF का था, रिवॉल्विंग फंड था, लेकिन अब 300 SHG को, अब सॉरी 12 SHG को मिला करके इसका 3 लाख रुपया अमाउंट होता है जो कि ग्राम संगठन में दे दिया जाता है। उसके बाद RF होता है, रिवॉल्विंग फंड, इसका फुल फॉर्म होता है रिवॉल्विंग फंड, जो कि 15,000 रुपया की राशि होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है जो कि SHG में ही रह जाती है। उसके बाद में दोस्तों शान, ये बहुत सारे ब्लॉक में नहीं भी होते हैं लेकिन जितने भी खास करके बहुत सारे ब्लॉक जो BRLP ब्लॉक हैं, NRLM ब्लॉक, NRLP ब्लॉक है, उसमें दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है शान, सैनिटेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशियन, सैनिटेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशियन। इसका यूज इसका अमाउंट 3 लाख रुपए के करीब होता है जो कि ग्राम संगठन में दिया जाता है और इस रुपया को मेंबर में बांटा जाता है और उनको खास करके शौचालय बनाने में मदद करता है रुपया। उसके बाद में FLTA होता है, ये भी एक प्रकार का फंड है दोस्तों जो जो स्टाफ के लिए है, जो स्टाफ फील्ड में दौड़ते रहते हैं इस काम के लिए जाओ उस काम के लिए जाओ, तो उसके लिए मतलब कुछ मनी है, पेट्रोल खर्च वगैरह ये सब मिलता है। इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड लोकल ट्रैवलिंग अलाउंस, फिक्स लोकल ट्रैवलिंग अलाउंस, फिक्स लोकल ट्रैवलिंग। FLTA याद होगा, याद कर लें क्योंकि आपका सिलेक्शन के बाद FLTA आपको मिलने वाला है। CIF होता है, CIF आते हैं दोस्तों, CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, CIF जो किसी भी प्रकार की राशि अगर ग्राम संगठन में या VO में जाती है या CLF में जाती है उसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। इसकी राशि मतलब बहुत सारी हो सकती है, 3 लाख या ग्राम संगठन में अलग है और CLF में अलग है और BLF में अलग है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। उसके बाद में CIF, CID कम्युनिटी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, सॉरी CID कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है CID। CID मतलब कम्युनिटी को कैसे डेवलप किया जाता है उससे संबंधित CID है। CBOs है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज, कम्युनिटी को कैसे मतलब बेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जैसे उसको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, उसको ICF देके, उसको RF देके, उसको FSF देके, सारे चीज़ को करके उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं उसी के बारे में सारा इसमें डिटेल रहता है CBOs में। उसके बाद CVM होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। इसको मतलब ट्रांजेक्शन में ज़्यादा करके SHG या VO या CLF या BLF में होता है, उसको ट्रांजेक्शन में ज़्यादा करके मदद। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं लीव सेक्टर में, लीव जो स्टाफ या कैडर का, जो स्टाफ का जो लीव होता है उसका कौन कौन से लीव होता है, उसका क्या फुल फॉर्म होता है, कितने दिन तक ले मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं CL का होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कैजुअल लीव, जो कि 12 मिलता है, 12 महीने, महीना में एक मिलता है, 12 CL मिलता है प्रत्येक स्टाफ को,
जो कि दिसंबर में लैप्स कर जाते हैं, दिसंबर तक उसको ले लेना है, दिसंबर के बाद लैप्स कर जाते हैं। उसके बाद ईएल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्न लीव। अर्न लीव इसका मतलब होता है इसको सेव कर सकते हैं, ए पेड छुट्टियाँ हैं अर्न लीव। मान लीजिए कि आप ए महीना में 2 मिलती है और इसको आप यानी 12 दूना 24, साल में 12 मिलते, साल में 24 मिलती है, इसको आप ले भी सकते हैं किसी ज़रूरत कम से, या नहीं भी ले सकते हैं तो आपको पेड होता, ये पेड छुट्टी होती है। उसके बाद SL होता है, जो स्पेस इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव, जो कि केवल और केवल महिलाओं को दी जाती है। स्पेशल लीव यानी महिलाओं को मासिक धर्म की के कारण उसको तकलीफ के देखते हुए प्रोजेक्ट के द्वारा स्पेशल लीव दिया जाता है, जिसमें 2 दिन का छुट्टी फिक्स रहती है, 2 दिन वो ले सकती है अपना टाइमिंग के आधार पे। उसके बाद में HPL होता है, हाफ पे लीव। अगर कोई आदमी, अगर कोई स्टाफ अगर हाफ दिन का छुट्टी लेना चाहता है या हाफ आता है, हाफ आवर से आता है, तो उसको HPL वो उपयोग कर सकता है, हाफ पे लीव इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद ML होता है, मेडिकल लीव। ML मेडिकल लीव ये कहाँ होता है, मेडिकल लीव ML, जो महिला प्रेग्नेंट है उसका बच्चा हुआ है उसको पहले 3 महीना की छुट्टी दी जाती है, यानी 90 दिन, अब 180 दिन की छुट्टी उसको मंजूरी मिल गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ML बोलते हैं। मेडिकल लीव ये पेड छुट्टी होती है, उनको महीना मिलता है, FLTA के अलावा सारा चीज़ मिलता है। उसके बाद में PL होता है, ये खास करके पुरुषों के लिए होता है, और ये पैटर्निटी लीव इसको बोलते हैं, पैटर्निटी लीव यानी बच्चे होने की स्थिति में पुरुषों को 15 दिन की छुट्टी मिलती है, उसको पैटर्निटी लीव बोलते हैं। केवल 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 पुरुष ही इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कुछ पोस्ट पे, जो स्टेट लेवल के पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के, कम्युनिटी लेवल के, उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। स्टेट लेवल के पोस्ट में सबसे पहले इसका हेड जो होते हैं CEO होते हैं, CEO वो चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर उसका फुल फॉर्म होता है, चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर। इनके मतलब ये IAS अधिकारी होते हैं, IAS IAS अधिकारी होते हैं, और इनके मतलब इनके द्वारा सारा संचालित किया जाता है, इनके ऑर्डर का मतलब बहुत पालन किया जाता है इसमें। उसके बाद में होता है CFD, CF चीफ फाइनेंशियल CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, ये भी बहुत मतलब हाई रैंक का पोस्ट है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक का पोस्ट होता है। उसके बाद में OA एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये भी मतलब बहुत ही जीविका में बहुत ही इंपॉर्टेंस मतलब अपर लेवल का पोस्ट है। उसके बाद FO है, फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि फाइनेंस का सारी गतिविधियों को स्टेट से मैनेज करते हैं, वो फाइनेंशियल ऑफिसर है। उसके बाद SPM स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि स्टेट से जितना भी गतिविधियाँ होती है सारा को मतलब दिया जाता है इनके द्वारा, DPCU में दिया जाता है, यानी जिला में दिया जाता है, जिला ब्लॉक में देता है, ब्लॉक पंचायत में देता है, चैनल सबका बना हुआ है। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट में, DPM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे अपर पोस्ट होता है, DPM होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, इनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट का पूरा संचालन किया जाता है। उसके बाद में TM होता है, ट्रेनिंग मैनेजर, जितने भी प्रकार के ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे SHG कॉन्सेप्ट में VO बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग मैनेजर इसको मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद FM जितना भी सारा फंडिंग होती है, जितना भी रुपया पैसा फंडिंग से व्यवस्था होती है, उसको फाइनेंस मैनेजर, FM होता है फाइनेंस मैनेजर। HRM होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। उसके बाद में HN मैनेजर होता है, HNM इसका इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ न्यूट्रिशन मैनेजर, यानी जितने भी सैनिटेशन का काम होता है, हेल्थ का काम होता है, साफ सफाई, स्वच्छ स्वच्छ शौचालय, ये सारा HN मैनेजर के देखभाल में रहता है। उसके बाद में ब्लॉक लेवल में आते हैं, ब्लॉक लेवल का अपर पोस्ट होता है BPM ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। उसके बाद में LHS होता है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट होता है, जो कि ये तो कोई मतलब ये कहते हैं कि ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद में AC होता है, एरिया कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि क्लस्टर लेवल का पोस्ट है, जैसे एक ब्लॉक में 3 या 4 क्लस्टर, जितने भी क्लस्टर होता है, तो 3 क्लस्टर को क्लस्टर लेवल क्लस्टर AC एरिया कोऑर्डिनेटर देखते हैं। उसके बाद CC होता है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि पंचायत लेवल का पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पंचायत लेवल का पोस्ट है, और इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों जीविका के रूल एंड रेगुलेशन के आधार जीविका अपने स्टाफ को यहाँ तक ही मान्यता देती है, यहाँ तक सभी लोग जीविका के अस्थाई अस्थाई स्टाफ माने जाते हैं। उसके बाद ये
कम्युनिटी लेवल पोस्ट होता है जो हमारे कम्युनिटी के बीच में पोस्ट होता है, इसमें भी बहुत सारे इस सब का तो सैलरी पेमेंट कितना होता है इसके बारे में विशेष डील करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा, इसलिए कभी और हम बता देंगे। इसलिए हम बताते हैं कम्युनिटी लेवल पोस्ट में जितने भी पोस्ट है सबका हैंड होता है, इसलिए बहुत सारा इन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन लोगों से बहुत हेल्प मिलता है जीविका को, मतलब आगे अग्रसर करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन लोगों के बिना कार्य संभव नहीं है। जितना भी सारा छोटा छोटा इम्प्लीमेंटेशन होता है, जितना भी सारा छोटा छोटा गतिविधियाँ होती है, जितना भी सारा रिपोर्ट होता है, इन लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है अपने ब्लॉक लेवल में, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट, इस तरह से चैनल बना हुआ है। तो इसमें सीएम होती है जो कि जीविका स्वाली बोलते हैं, कम इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी मोबिलाइजर। उसके बाद में जो जो एसएचजी को देखभाल करती है, 10 गो एसएचजी रहता है उसके अंडर में, 10 या 12 उसको देखभाल करती है, उसका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को ध्यान ध्यान देती है, उसका बचत बैठक, उसका सारा प्रक्रिया कैसे करती है, उसको कुछ मतलब मानदेय के रूप में रुपया दी जाती है। उसके बाद में बीके होता है जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, इसका बोलते हैं इसका फुल फॉर्म होता है बुक कीपर। बुक कीपर इसका काम है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को क्लियर करना, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, कितना किस मद में खर्च होता है, सारा का हिसाब किताब बुक कीपर के पास रहता है। उसके बाद एम बी के मास्टर बुक कीपर से थोड़ा बड़ा होता है जो कि क्लस्टर या सीएलएफ में रहता है। और एम बी के मास्टर बुक कीपर इनको थोड़ा सा बड़े पैमाने पर हिसाब किताब करने की जरूरत होती है। उसके बाद सी आर पी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। सी आर पी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी जिस जगह पर कम्युनिटी यानी जिस जगह पर कोई भी रिसोर्स की जरूरत होती है वहाँ पर इन को भेजा जाता है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है या किसी भी या आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, सेविंग सोशल लिंकेज उसमें सारे में ये सब काम आता है सीआरपी। और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इनको भी मतलब रहने खाने पूरा व्यवस्था रहता है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है रिसोर्स के रूप में। उसके बाद में आता है दोस्तों वीआरपी विलेज रिसोर्स पर्सन, इसमें ये भी पोस्ट पंचायत लेवल का ही है वीआरपी, जो कि लाइवलीहुड के काम जैसे खेती बाड़ी एसआरआई एसडब्ल्यूआई गेहूं का खेती, धान का खेती, रबी का, जायद का, सारे का रिपोर्ट किसान कार्ड तैयार करना वीआरपी का काम होता है। उसके बाद में दोस्तों पीआरपी होता है पोल्ट्री रिसोर्स पर्सन, जैसे जीविका में पोल्ट्री का कार्यक्रम चलता है, उसका मतलब पोल्ट्री का जितना भी कार्य है देखभाल करना सारा पीआरपी को दिया जाता है पोल्ट्री रिसोर्स पर्सन। उसके बाद जेआरपी होता है जॉब रिसोर्स पर्सन, ये भी फील्ड लेवल का ही पोस्ट है जॉब रिसोर्स पर्सन, मतलब इसमें होता है कि इन लोगों को चुना जाता है, देखा जाता है कि सोर्स मतलब फील्ड से लाता है लोग कि कहाँ पे कितना मतलब लोग शिक्षित हैं और वे बेरोजगार हैं, उन लोगों का लिस्टिंग किया जाता है और ये लोग बीपीआई में ले आकर अपने अपर स्टाफ को देता है और वे लोग आगे बढ़ाते जाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलती है। और डीडीयू जीकेवाई में इन लोगों को नौकरी मिल जाती है, बहुत सारे नौकरी मिल जाती है, जैसे आपको अपोलो सेंटर में बहुत सारा है सब पोस्ट है, वहाँ पे लोग नौकरी दिलवाने में काम करते हैं। उसके बाद जीएस है जीविका सहेली है, जो कि जीविका के कार्यक्रम में मदद करती है, जीविका सहेली जीएस जीएस के फुल फॉर्म होता है। उसका बीएम होता है बैंक मित्रा, यानी बैंक से इस प्रोजेक्ट में बैंक से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्यों करोड़ों अरबों रुपया का ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए बैंक में आम आदमी को संभव नहीं, उसके लिए बैंक में बैंक मित्रा का बहाली किया जाता है, बैंक मित्रा उसको भी कुछ फिक्स मानदेय दिया जाता है। उसके बाद में एमआरपी, ये नया पोस्ट अलाउ हुआ है अभी, एमआरपी मास्टर रिसोर्स पर्सन, जो कि एच एन डिपार्टमेंट हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन डिपार्टमेंट में इन लोगों का काम होता है कि जितने भी सारे फील्ड में सीएम लोग से है सारा रिपोर्ट तैयार करवाना है, उसका एचएनएस रिपोर्ट क्लियर करके और या उसका मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है लोग, सैनिटेशन का काम करवाता है लोग, सबका रिपोर्टिंग करता है लोग, अपने सीसी को करता है लो या बीपीआई में या एसी को या बीपीएम को करता है लो। एमआरपी हो गया, उसके बाद में सीएनआरपी हो गया दोस्तों, ये लेडीज होती है और कम्युनिटी न्यूट्रिशन रिसोर्स पर्सन, इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी न्यूट्रिशन रिसोर्स पर्सन। इन लोगों का काम होता है कि कम्युनिटी में घूम के सीएम के द्वारा यानी स्वयं सहायता समूह में न्यूट्रिशन बच्चों के स्वास्थ्य और उसका पोषण पे विशेष रूप से ध्यान देती है, उसका चार्ट बनाती है, उसका ट्रेनिंग देती है, उसका सारा रिपोर्ट अपने सीसी को एसी या बीपीएम को या ब्लॉक लेवल पे या ब्लॉक लेवल में जमा करवाती है, सीएनआरपी हो गया। तो दोस्तों कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी हम 2 मिनट में बात कर लेते हैं दोस्तों।
पूरा इस वीडियो को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अगर जीविका में काम करते हैं तो पूरा जानकारी है आपको, तो पूरा रिवीजन करें। अगर आप काम नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन एक से दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि जीविका में आप काम करने जा रहे हैं तो आपको इसके बिना आप एक डेग भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत जानकारी, क्योंकि बाद में भी आपको ये सब चीज़ बता जानकारी लेना पड़ता है। इसलिए पूरा एक ही बोर्ड पर आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू से लेके रिटन एग्जाम तक टोटल में इसका जरूरत पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों आते हैं अदर में, HR, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स के, इसमें बहुत संभावना रहती है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैंने जानकारी दिया। उसके बाद SWI, सिस्टम विट इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम विट इंटेंसिफिकेशन, इसका मतलब होता है SWI, बहुत लोग जानते हैं, जैसे गेहूं की खेती होती है जो कि एक टेक्निकल विधि के द्वारा होती है, जिसको लाइन के द्वारा, रस्सी के द्वारा रोपा जाता है, जिसमें पैदावार अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है, इसको सिस्टम विट इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद SRI होता है, SM उसी तरह होता है, धान की खेती होता है, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें भी रस्सी के द्वारा रोपा जाता है और इससे पैदावार अच्छी होती है। जीविका में बहुत कार्यरत हैं, बहुत बहुत जगह चलाए जा रहे हैं, SRI, SWI, किचन गार्डन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लाइवलीवुड में दिखाया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों आते हैं PMSBY, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक साल डेढ़ साल पहले जीविका 12 रुपये, इसका मतलब होता है 12 रुपया आप दे करके आप मतलब एक्सीडेंटल बीमा का लाभ ले सकते हैं, जो कि जीविका के द्वारा भी मिला हुआ था। पहले 100 रुपया दे करके बहुत लोगों ने इंश्योरेंस कराया और इसका फायदा उठाया। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं PMJJBY, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, जो अभी कार्यरत है। इसमें 100 रुपया मिला करके 350 के करीब में आते हैं, जबकि जीविका के द्वारा कुछ छूट है, 180 रुपया ही मात्र लगता है उन लोगों को, 171 रुपया ही 180 जमा कराया जाता है, जो कि कुछ बीओ में रह जाते हैं, जबकि 171 रुपया का ही आपको नेफ्ट किया जाता है LIC के पास, और उनको मतलब इसके रूप में आपको एक्सीडेंटल 4 लाख और नॉन एक्सीडेंटल में भी कुछ रुपया दी जाती है, जनरल में डेथ पर भी इसको रुपया दी जाती है। तो दोस्तों PMJJY, PMSBY के बारे में हम जान गए। DDU GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना होता है, DDU GKY, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी फिलहाल चल रहा है। DDU GKY से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इसमें जो होता है, गांव के जितने भी गरीब बेरोजगार लोग हैं, सारे लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के आधार पर इन लोगों को तरह तरह के कंपनी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, इसको मतलब सेलेक्ट करती है और ट्रेनिंग देती है, आने जाने का खर्चा देती है, ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस फ्री में करती है, उसके बाद में इन लोगों को कैंपस सिलेक्शन देती है, अस्थाई अच्छा तरीके से जॉब देती है और बहुत सारी प्रक्रिया इसमें करते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं SBM, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि LSB के कार्यक्रम चल रहा था, स्वच्छ भारत मिशन, SBM उसी का फुल फॉर्म है। SBM जीविका में बहुत बहुत दिन से काम कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों आते हैं IHHL, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन एप्लीकेशन, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन एप्लीकेशन, IHHL फॉर्म हुआ। मान लीजिए जिसके घर में शौचालय बन गया है और जिसको पूर्ण रूप से शौचालय बन गया है और गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार बन गया है, और वे लोग अपना IHHL फॉर्म भर के जीविका ऑफिस में या ब्लॉक कार्यालय में जमा करके अपना पेमेंट उठा सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही सारा है, इसको आप लोग एक बार इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको 2 बार 3 बार देखें। नया लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप जीविका में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, मतलब या एग्ज़ाम देने के बाद में इसका जरूरत पड़ेगा, और क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू में भी बहुत खास करके इससे चीज़ पूछे जाएंगे, और खास करके इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, आपके जानकारी के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा मतलब इसके बाद जो भी इसके बाद में इसके स्ट्रक्चर पर वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पे कहाँ से कौन सा फंडिंग होता है, कैसे इसका मतलब कहाँ से कैसे क्या किया जाता है, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि बहुत सारे दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।